Hello students, this is Neeraj Gupta. In this video, we will do illustration 32. If you notice, then illustration 31 ka data or illustration 32 ka data 99% same. Wahi iska PSR 7:3, wahi iski jo capitals hain, wo bhi same hain, hai na? To usi base par is question ko bhi humne फिक्स कैपिटल मेथड से सॉल्व किया है. वैसे इस क्वेश्चन को इलस्ट्रेशन 32 का पढ़ोगे तो कहीं नजर नहीं आएगा कि फिक्स कैपिटल कैसे हो गई, लेकिन एक्चुअली इलस्ट्रेशन 31 फिक्स कैपिटल पे है, तो इसलिए इलस्ट्रेशन 32 भी फिक्स कैपिटल के हिसाब से आपकी बुक ने सॉल्व की हुई है. मेन जो मैं बात बता रहा था डिफरेंस की, वो ये कि इलस्ट्रेशन 31 में जो जनरल रिजर्व है वो बोला हुआ 10% ऑफ नेट प्रॉफिट. मैं इसको बोर्ड पे लिख रहा हूं, ध्यान से देखिएगा. इलस्ट्रेशन 31 जो है उसमें जनरल रिजर्व्स जो दिया है दैट इज 10% ऑफ नेट प्रॉफिट. यानी वो तो फिर हमने सीधा सीधा निकाल लिया था. क्वेश्चन में 8 लाख नेट प्रॉफिट दिया हुआ है, तो 10% 80,000 निकाला और मॉल से क्वेश्चन सॉल्व कर दिया था. बट इस बार थोड़ा सा 32 में जनरल रिजर्व्स जो दिया है दैट इज 10% ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट. इट्स नॉट नेट प्रॉफिट, इट्स डिविजिबल प्रॉफिट. बट एज ए गुड स्टूडेंट यू नो वॉट इज अ डिविजिबल प्रॉफिट. इसमें से हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है ना, ये माइनस करना होता है. अगर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स दिया है तो उसको एड करना होता है. कोई सैलरी दी है तो उसको भी माइनस करना होता है. वी नो वॉट इज अ डिविजिबल प्रॉफिट. तो अब इस क्वेश्चन में मैं फिर क्या करूंगा, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाऊंगा. बनाते बनाते अपने आप मेरे को एडजस्टमेंट एंट्रीज मिल जाएंगी और उसके अकॉर्डिंगली मैं इसको सॉल्व कर लूंगा. So I am on illustration 32. My data says profit sharing ratio is 7:3. Opening capitals are given, जिसके basis पे मैं interest on capital निकाल लूँ, which is 5%. Drawings आपको given है, but ऐसा देखा जाए तो drawings का कोई ऐसा हमारे को काम नहीं है फिलहाल, क्योंकि IOD तो दिया नहीं है. Now profit for the year before allowing interest on capital is 5%. Is 5 और salary भी है 5,000 per month, is 8 lakh. एंड 10% ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट जो है आपको जनरल रिजर्व्स में ट्रांसफर करना है और आपको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है. सो अगर मैं इसमें प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाऊं, जैसे कि मेरी हैबिट है मैं हमेशा डेटा इधर साइड में आपको लिख के देता हूं और उसके बेसिस पे हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. इस बार नहीं लिख रहा हूं क्योंकि डेटा वही पुराने वाले क्वेश्चन का ही डेटा है, तो वो डेटा आपको बुक में भी दिख रहा है, वो डेटा हम ऑलरेडी यूज भी कर चुके हैं पिछली इलस्ट्रेशन में. मैं सीधा सीधा ले रहा हूं, उसमें 8 लाख रुपए का प्रॉफिट दिया. सो बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 8 लाख. अब यहां पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मैं सबसे पहले ले रहा हूं. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो हमारे दो पार्टनर्स हैं एक्स और वाई, आपको दिख ही रहा है कि क्वेश्चन के अंदर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% है और ओपनिंग कैपिटल जो फिक्स कैपिटल दी गई है वो 5 लाख और 4 लाख है. तो 5 लाख इंटू 5% इज 25,000 एंड 20,000 दैट्स 45,000 राइट. जहां तक सैलरी का सवाल है दैट्स 60,000 राइट. और इसमें ज्यादा कुछ है नहीं, बाकी तो फिर अब हमारे को इसमें एक जो मेन इस क्वेश्चन की जो मेन एंट्री हुआ है जनरल रिजर्व्स की कैलकुलेशन और लास्ट में 7:3 में प्रॉफिट शेयरिंग. मैं फिर बोलूंगा इस क्वेश्चन में ड्रॉइंग्स का मेंशन है, बट ड्राइंग का आईओडी ना हो तो फिर क्या करूं, और आईओडी अपने आप से तो प्रज्यूम नहीं कर सकते. आईओएल इंटरेस्ट ऑन लोन तो फिर भी 6% आप अपने आप से निकाल लेते हो अगर नहीं भी दिया हो तो, लेकिन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग तो गिवन होना जरूरी है, उसके बिना नहीं हो सकता उसका कोई उद्धार राइट. तो अभी अगर मैं देखूं तो मेरा डिविजिबल प्रॉफिट निकालने के लिए जो प्रॉफिट गिवन है 8 लाख, इसमें से आईओसी और सैलरी ये दो चीजें मैं माइनस करूंगा 45,000 एंड 60,000. सो एज सच मेरा डिविजिबल प्रॉफिट जो निकल के आ रहा है बिफोर द रिजर्व्स फॉर द कंप्यूटेशन ऑफ रिजर्व पर्पस, एक्चुअली जो रियल डिविजिबल प्रॉफिट है उसमें से तो जीआरबी माइनस होगा, उसके बाद पार्टनर्स को पैसा बटेगा. लेकिन फिलहाल जनरल रिजर्व्स के लिए अगर हमें डिविजिबल प्रॉफिट निकालना है तो उसमें से फिर यही दो चीजें माइनस होगी. तो 8 लाख में से मैंने 45,000 एंड 60,000 माइनस कर दिया, दिस इज 6,95,000. अब इसका जो मेरा जनरल रिजर्व्स है दैट इज 10% 69,500. तो मैं ये ले लूंगा इधर टू जनरल रिजर्व्स
दैट 69,500। अब मैं अगर प्रॉफिट ट्रांसफर टू रिस्पेक्टिव कैपिटल अकाउंट करूं, प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू कैपिटल अकाउंट्स करूं तो टू एक्स कैपिटल एंड वाई कैपिटल, तो ये जो मेरा टोटल है दिस विल बी 8 लाख। ठीक है, ये इसके नीचे के हिसाब से तो 8 लाख ही है, लेकिन मैं चलो बोर्ड का ये हिस्सा यूज कर लेता हूं। अब टेक्निकली मेरे पास बचा कितना, जो रियल डिविजिबल प्रॉफिट जो मुझे अपने पार्टनर्स को बांटना है, दैट 6,95,000। अब इसमें से मेरा 69,500 और चला गया, मेरे पास बच गया 625,500। दिस इज माई रियल डिविजिबल प्रॉफिट, यानी जो 8 लाख का मेरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से प्रॉफिट आया था, उसमें से मैंने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, उसमें से मैंने सैलरी, और उसमें से अब मैंने जनरल रिजर्व्स भी माइनस कर दिया। अब मेरे पास जो फिगर बची है दैट इज 6,25,500, राइट। तो अब इसको मुझे 70% और 30% 7:3 में करना है, तो x के पास आएगा 437,850। ये तो टोटल तो यहां पे लिखने की जगह नहीं है, अदरवाइज ये टोटल तो 625,500 आएगा, और यहां पर आएगा ये 187,650, है ना। मैं एक बार चेक भी कर लू इसको, 437,850 प्लस 187,650, इट इज 625,500। तो ये मेरा टोटल जो है आपका 8 लाख आ गया। सो दिस इज हाउ दिस क्वेश्चन इज टू बी डन। तो जैसा मैंने आपको पहले भी कहा था कि कई बार क्वेश्चंस बड़े रिपीटेटिव नेचर के होते हैं, तो ये भी उसी टाइप का क्वेश्चन है। नया इसमें सिर्फ एक लाइन है, और वो है कि भाई जनरल रिजर्व्स को कैसे कंप्यूट करें। तो मैंने आपको पहले भी सजेस्ट किया था कि आप एक हाईलाइटर, वो जो ग्रीन वाला हाईलाइटर होता है, उसको खरीद के रखें, और क्वेश्चन करते वक्त अगर क्वेश्चन में बस एक ही लाइन काम की है तो बाद में कल को दोबारा पूरा क्वेश्चन जरूर नहीं आप प्रैक्टिस करें, जस्ट उस एक लाइन की ट्रीटमेंट को आप हाईलाइट कर लें, ताकि आप उसी से रिलेटेड अपनी ट्रीटमेंट कर लें, तो दैट विल सेव योर टाइम। और ये आपको जरूरत पड़ेगी, अगर सपोज आपको पूरी बुक एक दिन में करनी होगी तो आप बताओ सारे क्वेश्चन दोबारा कैसे करोगे। तो ऐसे में बेस्ट क्या रहता है कि जो जो मेन पॉइंट्स हैं जो आपने हाईलाइट कर रखे हैं, बस उनकी ट्रीटमेंट आप देखते चले जाओ, ठीक है ना। तो लिस्ट ऑफ लेक्चर्स जो है उसका डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दिया हुआ, उसको आप देख लीजिएगा। और एक और इंपॉर्टेंट बात जो है मेरे को आपसे शेयर करनी थी, वो ये कि अगर आपके पास ये जो मैं ये वाला चैप्टर, खासकर जो ये वाला चैप्टर मैं बना रहा हूं, ये 2019 एडिशन से बना रहा हूं। आई कैन शो यू द बुक, ये मेरे पास जो बुक इस समय है दैट इज 2019 एडिशन, राइट, आपको दिख रहा होगा साफ साफ। अगर आपके पास इससे पहले या इसके बाद का कोई एडिशन है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि समटाइम्स पब्लिशर्स जो है ना क्वेश्चन सेम रखते हैं, लेकिन उनका नंबर ऊपर नीचे कर देते हैं, अगर क्वेश्चन ऐड हो गया, डिलीट हो गया, यू नो माइनर, तो उसे कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं। जो हम आपको लिस्ट ऑफ लेक्चर दे रहे हैं उसमें 2019 के हिसाब से इलस्ट्रेशन नंबर वो तो आपको बोर्ड पे भी नजर आता है, लेकिन आप जब उसमें देखेंगे तो 2020 का जो एडिशन है या 21 का जो एडिशन कल को और आएगा, तो हम उसके अंदर वो मार्क करते रहेंगे कि ये इलस्ट्रेशन नंबर आपकी बुक में इस नंबर पे है। वैसे तो पूरा ऑलमोस्ट क्वेश्चन मैं बोर्ड पे लिख देता हूं, बट स्टिल यू नीड योर क्वेश्चन एंड आंसर इन योर हैंड, सो उससे भी आपको फायदा हो। फिर भी कोई दिक्कत महसूस करो तो मेरे नंबर है, आप कभी भी मुझे फोन या SMS तो कर ही सकते हैं, ठीक है। चलो, थैंक यू।